नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। आपके सामने फिर हाजिर है SW24 न्यूज़ के साथ में। आज हम बात करेंगे चुनाव परिणामों की। अभी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव हुए हैं। खंडवा में भी मांधाता विधानसभा सीट पर चुनाव हुए हैं। बुरहानपुर जिले में नेपानगर में चुनाव हुए हैं। दोनों ही जगहों पर अभी की जो स्थिति हमारे पास है, दोनों ही जगह पर भाजपा आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा का पलड़ा भारी है। हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मुनीश मिश्रा जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राजेश ढोंगरे जी, आपका भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनाव के इस पूरे परिदृश्य की, परिणाम क्या हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा डॉक्टर मुनीश मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, जो अभी रुझान आने शुरू हुए हैं उसमें ये लगने लगा है कि भाजपा आगे है, क्या लग रहा है आपको, ये परिणाम कहाँ तक ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए, जो चुनाव जिन मुद्दों पर हुआ है परिणाम उनके ऊपर आधारित है। अब यह बात अलग है कि विजयी कौन होता है। अभी जो रुझान, जैसा आपने मुझे अभी सूचित किया है कि 3 राउंड के चुनाव दिखने लग गए हैं सामने, और उसमें करीब करीब 5,000 वोटों से भाजपा आगे चल रही है, परंतु तो अभी 8 राउंड होना बाकी है। जब तक कि पूरी मतगणना न हो जाए, किसी तरह का रिजल्ट हम लोग यहाँ बैठ करके घोषित नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल वस्तु स्थिति जैसी स्पष्ट होगी, जो भी प्रत्याशी विजय होगा, जो पार्टी विजयी होगी, वो अपने आप सामने आ जाएगी। परंतु यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि मांधाता चुनाव हो अथवा ये हमारे पूरे 28 मध्य प्रदेश के जो सीटों के चुनाव हैं, वो एक किसी कारण विशेष से हुए हैं। वो कारण विशेष है संविधान और प्रजातंत्र के गले का घोटना, उसकी सामने हत्या कर दी जाना। यह अपने आप में एक बहुत विचारणीय प्रश्न है कि आज़ादी के 70 साल बाद, जब संविधान निर्माताओं ने 1947-48 में जब संविधान का निर्माण किया था, तो शायद उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, बाबा अंबेडकर ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्रजातंत्र में इस तरह से सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन उन्होंने सोचा था 5 वर्ष में, हमेशा एक प्रजातांत्रिक तरीके से। भारत हमारे दुनिया के सबसे बड़ा प्रजातंत्र राष्ट्र है, जिसमें हमेशा से संवैधानिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण होता है। यह तो एक तरह से कहना चाहिए कि डकैती हो गई है प्रजातंत्र की। हम इस विषय पर भी बात करेंगे, अभी हमारे पास बहुत सारा समय है। अभी जो परिणाम जो आ रहे हैं, परिणाम अभी भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं, मतलब ये आप भी मान रहे हैं? नहीं, मैं ये मान रहा हूँ कि अभी 3 राउंड में भाजपा आगे है, परंतु पूरे परिणाम आने के पश्चात ही हमको ये ज्ञात होगा कि सब लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर भाजपा आगे रहती है और वो विजय श्री हासिल करती है, तो ये अपने आप में बता देगा कि साजिश अभी समाप्त नहीं हुई है। जी, ये वाला सवाल मेरा राजीव डोंगरे जी से है। अभी जो हमारे पास जो परिणाम आ रहे हैं, परिणाम की जो शुरुआत है, रुझान आने लगे हैं, इन रुझानों में अब तक ये लग रहा है कि भाजपा आगे है, तो आपको क्या लग रहा है भाजपा वापस सरकार बना पाएगी? निश्चित बनाएगी, 20 से ऊपर सीटें जीते, बीजेपी जीतेगी। क्योंकि वातावरण जो था पिछले 15 महीने के कमलनाथ सरकार ने जो हालत पैदा करे थे प्रदेश में, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चला था, जिस प्रकार के ट्रांसफॉर्म में हेराफेरी चल रही थी, उससे जनता त्रस्त थे। और जैसे ही मौका मिला, वहां के भी विधायक लोग परेशान थे, माधोराज ज्योतिराज सिंधिया जी आपको अपमानित किया गया, उनके साथ छूट के लोग आए, मंत्री जो थे उन्होंने पहले एक झटके में पद छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए और नई सरकार बनी। तो जो नई सरकार बनी है वास्तव में तो उनके कुकृत्यों के, कांग्रेस के कुकृत्यों के कारण बनी है, तो जनता इस चीज को मान रही है। अगर इस प्रकार का कोई पढ़ना गलत होता, कदम हमारा गलत होता, विधायकों ने गलती की होती, तो जनता छोड़ती थी। 77 में आप सन 77 के चुनाव में आपने देखा होगा कि जगजीवन राम जैसे लोग मंत्री पद छोड़कर फिर चुनाव चलते छोड़ दिया था उन्होंने, और उसके बाद लहर पैदा हो गई थी। वही स्थिति आज मध्य प्रदेश में। लेकिन जो भाजपा पे जो आरोप लगा है इस पूरे बीच में, उसके अंदर यही लगा है कि जो कांग्रेस के विधायक थे उनको खरीदा गया है। खरीदने वाली बात कितनी सच है? खरीदने वाली बात होती तो जनता जवाब देती। भाई, संविधान में, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, और जनता ने निर्णय दिए दे रही है, इसका मतलब है कि जनता स्वीकार कर रही है उस पर, और जो आरोप है वो उसको नकार रही है, स्पष्ट रूप से बात हो रही। और यदि इसका परिणाम यह होता कि जनता के बीच में जब हम लोग गए, हमको जवाब देना भारी पड़ जाता, लेकिन उल्टा हुआ, जनता को उत्साह के साथ स्वागत हुआ, जनता ने हम लोगों का स्वागत किया, शिवराज जी की सभा में हजारों लोगों की भीड़ रही, और किसी प्रकार का कोई ऐसा आक्रोश नहीं दिखा। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ये भी हुआ था, कई जगह ऊपर भाजपा प्रत्याशियों का जमकर विरोध भी हुआ है, तो वो विरोध परिणामों में क्यों नहीं दिख रहा है?
वो विरोध ऐसे छोटी मोटी समस्याओं के लिए था, भाई कहीं अगर नल पानी की व्यवस्था वो नहीं है, पहुंच नहीं है, सड़क नहीं है, रास्ते नहीं है, इसके कारण कुछ एक दो जगह इक्के दुक्के जगह बहिष्कार का, जैसे हर चुनाव में होता है, कोई सा भी चुनाव देख लें, एक दो आपको मतदान केंद्रों पर ऐसी स्थिति मिलेगी कि बहिष्कार कर रहे हैं, उसके बाद फिर मान जाते हैं, इस प्रकार का होता है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यही वाला डॉक्टर साहब, यही वाला सवाल आपसे कि चुनाव प्रचार के दौरान लगातार देखने में ये मिला था कि प्रत्याशियों का बहुत विरोध हुआ था, तो जी हाँ, इस बहुत अच्छी बात आपने उठाई थी ये मुद्दा कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भाजपा प्रत्याशी थे उनका घोर विरोध हुआ था जी। अब समस्या ये आती है कि हमारा प्रजातंत्र अभी तक भी परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, परिपक्व पूरा नहीं हो पाया है, हम लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय चीजों को गौड़ कर देते हैं, जिन चीजों के लिए जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हमारा प्रजातंत्र और हमारा जो संविधान जो है जिन शुचिता वाले सिद्धांतों पर आधारित है उसका, क्योंकि छोटे छोटे लालचों में लोग आ ही जाते हैं, छोटे छोटे जैसा कि एक आपने देखा होगा कि एक महिला ने राजेश भैया नंद कुमार सिंह चौहान जी का बहुत जबरदस्त टेलीफोन पर पे उन्होंने विरोध किया, जो आपने भी वो वीडियो सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना विरोध जो जिस बात का भी किया, परंतु नंद कुमार सिंह चौहान उस फोन के उस ओर थे और इस ओर महिला थी, और उसने बात स्पष्ट बतलाई कि आप लोगों ने इतने दिनों में कुछ भी नहीं कर पाए। अब समस्या ये होती है कि जब इस तरह की कोई स्थानीय बात सामने आती है तो उसको ढांकने के लिए, उसको लपेटने के लिए जो भी शासन में आज पार्टी है उसने अपने सत्ता का, प्रशासन का उपयोग किया, दुरुपयोग किया मैं तो ये कहूँगा, और उसके पश्चात लोगों को ये हमारे को यहाँ कहने के लिए जरूर सुनने को मिलता है कि जनता साथ में हो गई है या छोटे मुद्दों को छोड़ दिया है, ऐसा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जब इतने बड़े स्तर पर विधायकों की खरीद और बिक्री हुई तो जब हॉर्स ट्रेडिंग हुआ तो उस स्थिति में जनता के सामने जो लालच के जो मुद्दे रखे गए तो हमारे यहाँ पे बहुत शुरू से ही चलता आया है कि जब कभी भी लालच सामने आती है तो आदमी का मन विचलित हो जाता है। जनता ने तो आपको उसी वक्त नकार दिया था 2018-19 में जब चुनाव हुए थे, परंतु छल कपट और राजनीति का जिस तरह से दुरुपयोग आपने किया और धन बल जिस तरह उपयोग में आया, आप लोगों ने देखा होगा कितना अधिक धन का उपयोग इस चुनाव में भी हुआ है। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि प्रजातंत्र का वो दृश्य हम लोगों के जीवन में आया है जिसमें कि हमारे को ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम किसके साथ खड़े रहे। धन का उपयोग तो हुआ है, जम के हुआ है, दोनों पार्टियों की तरफ से हुआ है। इस बार ये माना जा रहा था कि जो मान रहा था कि जो चुनाव हुए है वो खंडवा जिले के अब तक के सबसे महंगे चुनाव है, आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी तरफ से कोई खर्च नहीं हुआ, जो लिमिटेड खर्चा था उसमें ही हमने पूरा किया पार्टी ने किसी। एक दूसरा आरोप ये भी लगता रहा है कि भाजपा ने बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ा है पैसे देकर के अपनी तरफ लेकर के। पैसा देके कैसी बात करें, एक विधायक जब हमारे साथ आ गए, एक विधायक मंत्री हमारे साथ आ गए, एक मंत्री कितने बड़ा मायने रखता है एक सरकार में, एक मंत्री कैबिनेट मंत्री जो कि पावरफुल है खुद अपने उसका, वो छोड़ गए, एक झटके में छोड़ के चले आए, उसको आप पैसों की लालच में बोलेंगे? वो ज्योतिराज सिंधिया जो करोड़ों का मालिक है उनको आप पैसों की लालच में आना बोलेंगे? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, और जनता ने इन्हीं मुद्दों पे कांग्रेस को नकारा है, कांग्रेस ने जो गलती करी। दूसरा एक और डेढ़ साल के कार्यकाल अभी जो लूट खसोट मचाई, अभी जो परिणाम सामने आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी कमजोर पड़े हैं। शुरुआत ही वहाँ पे जो लग रहा था जिस तरह उन्होंने कैंपेन किया था, पूरा कैंपेन चलाया था, कैंपेन बहुत अच्छा चलाया था, शुरुआत से बिल्कुल पूरा ये लग रहा था कि कांग्रेस की तरफ सारी चीज़ें जानी है, लेकिन अभी 3 राउंड हो गए, 3 राउंड में 4,660 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है, आप क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? आसिफ भाई, मैंने आपको 2 बार बोल चुका हूँ कि अभी 3 राउंड हुए हैं, 8 राउंड होने बाकी हैं, अभी 5 राउंड और होने बाकी हैं जिसमें हमारे को अंतिम परिणाम तक रुकना चाहिए। पिछली बार भी नारायण पटेल जब कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए थे तो आखिरी ईवीएम मशीन से जो 1100-1200 वोट से वो जीत उनकी विजयी हुई थी, तो अभी इतनी जल्दी हम लोग जंप ओवर नहीं करें, थोड़ा धैर्य रखें। और जहां तक सवाल इस बात का, आपने ये शुरू बात की थी जैसे राजेश भाई ने अभी एक चर्चा में कहा कि ज्योतिरादित्य तो इतने बड़े आदमी, उनको पैसे की लालच, उनको पैसे की लालच नहीं, उनको सत्ता की भूख है शुरू से, वो सामंतवादी आदमी है, उनका उनके रग रग में सामंतवादिता है, वो ये चाहते हैं। तो अभी बिक्री खरीदी तो विधायकों को ही ना, और उसको तो उनको तो अपने बड़े बड़े लेवल पे स्टेक करना है। देखिए राजेश भाई, आप भी जानते हैं राजनीति में इतने वर्षों से आप काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, जिस तरह से बड़े स्तर पर शीर्ष से लेकर के नीचे तक
जिस तरह से भी बड़े लोग होते हैं वो किस तरह से अपने राजनीतिक लाभ करते हैं, बहुत अधिक हिस्सों में तो पता भी नहीं चल पाता मतदाता को और आम जनता को कि क्या घट रहा है। डॉक्टर साहब ने एक जो बात कही है कि उन्हें सत्ता का लोभ है, आपको क्या लगता है क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोभ कैसे हुआ भाई? दूसरा मतलब एक सवाल है मेरा इतने इस बीच में कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम जीत जाती है तो सरकार में इन लोगों की क्या भूमिका होगी? सरकार में सहज रूप से भूमिका होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए हैं, जिस प्रकार से दाल चावल खिचड़ी में मिल जाते हैं सब इस तरह से मिल चुके हैं, अब कोई प्रश्न उठता वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सरकार में किसी पद पर रहेंगे? भाई सरकार में रहें या पर संगठन में रहें, पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के हिसाब से वो अच्छे काम करेंगे, जैसा काम होगा आगे उनको चांस मिलेगा। ये सर्वविदित है राजेश भाई कि ज्योतिरादित्य कभी भी सामान्य आदमी जैसा नहीं रह सकता, उसके रग रग में जो सामंतवादिता है वो आज से नहीं परिलक्षित होती है। मुझे तो 1969 का वो घटनाक्रम भी याद है जब रानी साहबा ने महारानी साहबा ने एक जो उस वक्त द्वारका प्रसाद जी मिश्र को जिस तरह से डिच किया था और कांग्रेस को डिच करके उन्होंने गोविंद नारायण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसके पश्चात थोड़े दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी, उसके बाद राजा नरेश चंद सिंह जी बने उनके कहने से मुख्यमंत्री और वो 7 दिन तक के बगैर विधानसभा को फेस के मुख्यमंत्री बने रहे और उसके दरबार जाकर के कितने वर्षों तक हम लोग देखते रहे। निश्चित रूप से आदर्श महिला रही होगी क्योंकि उन्होंने तो देश को गुलाम बनाए रखने में बहुत मदद की थी ना। हम लोग आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दो मिनट का विराम लेंगे, एक दो मिनट का विराम लेंगे, हम फिर हाजिर होते हैं 2 मिनट बाद। स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 के परिणामों को लेकर। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष मिश्रा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश डोंगरे जी, और दोनों से हम इस मुद्दे पर कमेंट, एक तो त्वरित कमेंट जो मैं आपको लेटेस्ट पोजिशन बता दूं, जहां मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 17 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं 28 सीटों में से, कांग्रेस के प्रत्याशी करीब 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं और एक पर बीएसपी आगे चल रही है। तो और हम निमाड़ की बात करें तो मांदाता विधानसभा क्षेत्र से जो नारायण पटेल हैं कांग्रेस बीजेपी के, वो करीब 5,500 वोटों से ज्यादा लीड किए हुए हैं। वहीं नेपा नगर से बीजेपी की सुमित्रा काजलेकर भी 5,500 वोटों से ज्यादा वोट से लीड की हुई है। हम लेटेस्ट सबसे पहले हम इसमें राजेश डोंगरे जी का कमेंट चाहेंगे, क्या कहना है आपका इस ट्रेंड्स के ऊपर? भाई सीधी बात है, जनता ने बीजेपी को स्वीकार किया है और बीजेपी की सरकार को नियमित रखने के लिए उन्होंने वोटिंग की है और जीते हैं। मेरा सोचता हूँ कि 9 सीटों जहाँ कांग्रेस आ गए वहाँ भी हम 2-4 सीटें और आगे बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो में, क्या कमेंट करेंगे? अभी जो जैसा आपने मुझे सूचित किया है कि अभी 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो अंतिम परिणाम तक तो मैं वेट करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। बावजूद इसके अगर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस की हार होती है तो मेरा कहना इसमें ही रहेगा कि जिस तरह से जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा समय हो गया था, राक्षसों का अत्याचार बढ़ता रहा, रावण का राज्य रहा, और जब पृथ्वी को खुद गाय का स्वरूप लेकर के प्रभु के आगे जाना पड़ा कि साहब मुझे मुक्त कराइए, उसके बावजूद भी सैकड़ों साल लग गए थे राम का अवतार होने में और राक्षसों का राज्य बना रहा था, तो ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है कि हमें अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखना पड़े और एक 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 इस तरह से हमारे को स्थिति निर्मित करना पड़े कि हम लोग कांग्रेस वास्तविकता से बिल्कुल जुड़ी नहीं है। जी क्या कहना है? कांग्रेस जो है वास्तविकता से बिल्कुल जुड़ी नहीं है, इस प्रकार की कल्पना करके ही वो जी रहे हैं। देखा जाए तो कांग्रेस नीचे के धरातल पर खोखली हो चुकी है, केवल व्यक्ति उनके पास रह गए, कार्यकर्ता संगठन। जी हाँ, मेरा आपसे बिल्कुल ये कहना रिजवान भाई कि हमारे यहाँ पे आज भी परिपक्वता लोकतंत्र की अभी आना बाकी है। जैसे जनता पे आरोप नहीं, जनता पे कोई आरोप नहीं, जनता का तो निर्णय शिरोधार्य करते हैं हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अपने आप में गलत है, ऐसा बिल्कुल कोई जनता पे आरोप नहीं, जनता तो हमारे लिए सर्वोपरि। मैंडेट होगा तो बराबर स्वीकार किया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। ये तो मैं आपको एक अपनी बात बता रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ। पूरा सिनेरियो में ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि बिकाऊ और टिकाऊ पर कहीं चुनाव जा रहा है
और ऐसा लग रहा था कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं कहीं ना कहीं चुनाव उनके खिलाफ मैंडेट हो सकता है, ऐसा दो दिन पहले तक लग रहा था। फिर जो एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को आगे बता रहे थे, कुछ बीजेपी को आगे बता रहे थे, तो ऐसा क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है कि ये परिणाम देखना पड़ता है 17 सीट पे बीजेपी आगे? नहीं, ये बात आपकी सही है, जनता का निर्णय जो भी होगा तो शिरोधार्य होगा ही, परंतु एक कांग्रेस आज जिस समय जो आप और हम सब लोग जानते हैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और बहुत सशक्त है इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के अधीन जो पार्टी है, मध्य प्रदेश सरकार के अधीन जो प्रशासन है, तो इस बात पे राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस ने तब दिया है हमारे देश को जब मतलब बीजेपी कहीं से कहीं तक पिक्चर में नहीं थी, वो कांग्रेस पिक्चर में नहीं था। मैं आर्थिक रूप की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस बात कर रहा हूँ, कांग्रेस आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पुराने रूप में रही, कांग्रेस नए रूप में आ गई है। राहुल गांधी जी के कांग्रेस हो गए जो मजाक का विषय बनते हैं, जितने जोक्स मैं सोचता हूँ राहुल गांधी के लिए बनते हैं उतने मैंने आज तक किसी नेता के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं देखा। दूसरा यह कि कांग्रेस के पास पैसा है, पैसे से जनता थोड़ी वोट खरीदे आते हैं, आम जनता के जब चुनाव होते हैं तो जनता अपना विवेक का उपयोग करती है और निर्णय देती है। मैं कोई कॉमन प्रश्न जो अभी डॉक्टर साहब से बात की कि इस पूरे चुनाव में ऐसा लग रहा था कि जो प्रत्याशी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाके चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ कोई मैंडेट बनता दिख रहा था, बाकी ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल नहीं दिख रहा था? हम लोग जो फील्ड पे थे हम बता रहे हैं आपको, कहीं दिख नहीं रहा था, लोग स्नेह कर रहे थे और कह रहे थे बहुत अच्छा करा आपने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस के प्रति जो लोगों में चिढ़ है, जो जनता में एक नफरत जैसी भाषा है, जो बात कह रहा हूँ मैं ज़्यादा थोड़ा कठिन कठोर शब्द उपयोग कर रहा हूँ, पर कांग्रेस के प्रति ले देके लोगों के बीच में एक ठीक मान भावना नहीं है और उसका कारण यह है कि हमारे प्रत्याशी आराम से जीते, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको लगता है कि शिवराज सिंह आप सेफ रहेंगे या ऊपर से कुछ? मैं ये तो ऊपर की राजनीति है, इस संबंध में हम आप मानते हैं कि शिवराज सिंह की जीत है या संगठन की जीत? संगठन और शिवराज दोनों की, सरकार की भी जीत है और पार्टी की भी जीत है दोनों के। मैं तो रिजवान भाई कहूंगा कि केवल पैसे की जीत होगी अगर ये जीत होती है तो, क्योंकि इस वक्त तो भरपूर रूप से न केवल विधायकों खरीदने और बेचने में जो धन इस तरह के आरोप लगाना अभी भी ठीक नहीं। रनवल ये तो आरोप राजेश भाई, ये तो सबको नॉन फैक्ट है, ये हम लोग ये दीवार पे लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना नहीं आए तो उसमें आरोप ये आरोप लगाकर आप नहीं है राजेश भाई, बहुत स्पष्ट है। कोई भी आदमी मतलब जिस तरह से आपने जो भी चुनाव लड़ा कांग्रेस ने कभी भी उसको मुद्दे बनाकर या व्यवस्थित ढंग से चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने सिर्फ बेकाबू और इस तरीके से। आपसे इस बारे में जानना चाहूंगा क्या कांग्रेस संगठन में कोई सुधार की जरूरत आपको नजर? कांग्रेस संगठन में तो आमूलचूल सुधार की जरूरत है, खासतौर से मैं खंडवा जिले की बात करना चाहूंगा, मैं ये प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर बात करने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं आपसे स्थानीय निवासी होने के कारण से बात कर रहा हूँ। मैं अपने निश्चित रूप से हमारे को हमारे संगठन में सुधार की आवश्यकता है, ये अपना घर है, हम लोग जब आज जिस तरह की जिस भी स्थिति में जीर्ण शीर्ण है उसको हम लोग सुधारेंगे, उसको आगे फिर से ठीक बनाएंगे। एक समय ऐसा था कि जब यहाँ पर अन्य संगठनों की स्थिति कुछ भी नहीं थी, केवल कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी, एक समय था जब प्रदेश में देश में केवल कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी, ऐसा राजनीति में होता रहता है। एक समय जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो वहां पर समुद्री लुटेरों का राज हो गया था, परंतु इसका मतलब नहीं कि वहां पर प्रजातंत्र समाप्त हो गया था, वापस पूछना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा था कि जो प्रत्याशी आए हैं बीजेपी में कहीं ना कहीं भाजपा संगठन के अंदर उनका विरोध दिख रहा था, जो पुराने बिल्कुल नहीं दिख रहा था जिन्होंने जो हारे मैनेज कैसे किया पार्टी ने, कुछ भी ऐसा कोई विरोध नहीं था, जबरन की हवाएं चलाई गई और जब उनसे बात की गई तो बोले उन्होंने सबने काम किया पूरी तरह से लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं। शेजवार जी एक दो लोगों को एक दो लोगों की कार्रवाई हो सकती है, एक दो लोगों के पीछे पूरे संगठन है पूरी पार्टी को नहीं मनाई, बिल्कुल वो पहले दिन से बोल रही थी कि अगर वो लड़ेंगी तो मैं पूरी ताकत से सहयोग करूंगी। केवल एक अनावश्यक अफवाह फैलाकर चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव जनता के दिल में जगह बना के जीते जाते हैं और भाजपा ने जनता के दिल में जगह बनाई है, शिवराज जी ने जगह बनाई है और इसी कारण परिणाम हमारे सटीक आए। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि जो एक ट्रेंड चल रहा है 17-9 कभी फाइनल स्थिति रहती है, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार का कितना स्थायित्व है और सरकार कितना फ्रीडम होकर काम कर पाएगी? भाजपा सरकार तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, हम ये कि 7 महीने सरकार जरूर चलाई शिवराज सिंह जी ने, एक गुड गवर्नेंस जो पहला हम देखा था उनका वो दौर नहीं दिखा इसमें, और कहीं ना कहीं आर्थिक जो कमियां थी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ प्रदेश, कारण कोई बड़े फैसले वो तो होंगे, अब स्थायी सरकार रहेगी अब फर्क आएगा, अब बिल्कुल बढ़ेंगे।
अब काम करेंगे। आपको लगता है कि और अच्छा से और अच्छा करेंगे? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी और करेगी। और उसके अलावा कांग्रेस ने जो 15 महीने जो 14 महीने जो सरकार चलाई उसमें लोगों के दिल दिमाग में घबराहट आ गई। इस प्रकार से ट्रांसफरों को लेकर लेन देन कर रहे थे, जिस तरह की भाषा, एक एक जनता का एक एक व्यक्ति इस बात को जान रहा था। आरोप आ रहा है कि 15 महीने की सरकार व्यवस्थित नहीं चली, तो 15 साल बनाम 15 महीने क्या कहेंगे? 15 साल बनाम 15 महीने में जो केवल उसमें इतना ही कहना है कि उसमें से 6 महीने तो 2 इलेक्शंस जो निकल गए उनके चले गए, इसलिए कह लीजिए कि शायद लगभग 12 महीने का कमलनाथ जी का शासन रहा। और उसमें जिस तरह की उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रति और उसके विकास के प्रति जो रुचि दिखलाई थी और जो जिस कदम पे वो आगे बढ़ रहे थे, आपको भी मालूम है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में कुछ नहीं किया जा सकता। आप जब पिछले 70 महीने मैं राजेश भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं बोलता हूं तो आप सुने, जब आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी में, आपको संयम रखना चाहिए। जब मैं ये चर्चा कर रहा था कि जब 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था उसमें जितना कचरा इकट्ठा हो जाता, कोई एक नया घर बनाना पड़ता है एक मलबे के ऊपर तो आपको उसको पहले साफ़ करना पड़ता, आधे से अधिक समय तो सफाई में लग गया। जब सफाई करते करते हम तह तक पहुंचते हैं तब तक के इनको लगा कि हमारे नीचे से ज़मीन खसक जाएगी, व्यापम सामने आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, इतने लोगों की मौत सामने आ जाएगी और कई कई बहुत सारे चीज़ें जिनका भी यहाँ पे मौजूद नहीं है उनका जिक्र करना, परंतु ये सब चीज़ें सामने आने का देख करके उन्होंने अपनी तरफ से, चूँकि ऊपर दिल्ली में इनका शासन है पहले से, इतना 15 साल का जो इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ था, भ्रष्टाचार का ये लोग आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप डे वन से जब से प्रजातंत्र भारत में लागू हुआ तब से लगता रहा है। 15 महीने की कमलनाथ, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि 15 महीने की कमलनाथ जी की जो सरकार थी इन्होंने उसको, जब तक हमारी जड़ें वहाँ पर पहुँचती सफाई करके कि प्रशासनिक सफाई होती, औद्योगिक सफाई होती, राजनीतिक सफाई होती, तब तक इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग कर डाली। अब जब प्रजातंत्र को ही बेच दिया गया तो उसमें 15 महीने में आदमी क्या कर सकता था? जो भी कर सकते थे उसके परिणाम आपको जब तक मिलते, आज हम मतलब अपना समय निकला हॉर्स ट्रेडिंग होगी सरकार को गिरा दिया गया, क्या गया? बिल्कुल गलत है। 4-5 महीने में जो शिवराज जी ने काम किया उस 4-5 महीने में जनता में दिल जगह, जनता के दिल में जगह बना ली गई। ये इसके लिए साल भर बहुत होता है, जनता का परिणाम पाने के लिए 2-4 महीने में ही ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि जनता आपको स्वीकार करने लग जाती। कांग्रेस के समय में पूरी तरह से यह स्थिति रही कि सरकार अहम में रही, कमलनाथ जी अहम में रहे कि बस अब तो आ गए, हम 10 साल नहीं जाएंगे। और इस नाते उन्होंने जिस तरह से व्यवहार लोगों के साथ किया, विधायकों के साथ किया, अन्य लोगों के साथ किया, उससे जनता त्रस्त थी। और 5 महीने के कार्यकाल में शिवराज जी ने जितना खुला घोषणाएँ करी और खुले काम किए उससे जनता फिर से आकर्षित हो गई। और इतना बड़ा निर्णय जो इन्होंने आरोप लगाया, देखिए इन्होंने कांग्रेस ने जिस तरह कैनवासिंग की थी, उनको खरीद बिक्री का आरोप लगाया, हाउस ट्रेडिंग का आरोप, पर इतने सारे मुद्दों के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की जगह जनता के। कहना है कि कमलनाथ जी एरोगेंट रहे अपने 15 महीने के कार्यकाल में विधायकों के लिए, क्या कहना है आपका? नहीं, एरोगेंसी नहीं, एक डिसिप्लिन की बात होती है, अनुशासन। अनुशासन जब कभी आदमी, जब जैसे आप छोटी सी क्लास में भी जाएं, जब 40-50 बच्चे होते हैं और एक टीचर होता है और उसको अगर अनुशासित करना होता है बच्चों को तो कहीं कुछ सख्ती लाना होती है। बहुत लंबा समय हो गया था जब मतलब अनुशासन की डिमांड की जा रही थी, उस अनुशासन को प्राप्त करने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा जब आपका बच्चा आग की तरफ दौड़ता है तो आप उसको पहले डांटते डपटते हैं, अगर वो नहीं सुनता है तो एक आध चपत भी लगाते हैं। ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो सकती कि अनुशासन बनाए रखने के दौरान ऐसी हो, परंतु उसको इस तरह से कहना, क्यों, जब ऐसे जब कोई स्थिति निर्मित होती है तो लोग बरगलाने वाले मिल ही जाते हैं। तो वैसा 15 महीने के पश्चात, 15 महीने के दौरान, सिंधिया का भविष्य क्या है या कांग्रेस में कोई वापसी की बात? सिंधिया का भविष्य तो सिंधिया ने अपने आप को जीरो कर लिया है जनता की नज़रों में, राजनीतिक रूप से। और अब ये आगे आने वाला समय बताएगा कि जो सिंधिया पूजे जाते थे अपने क्षेत्र में, वहाँ से जैसे बहुत सारे अभी चुनाव के दौरान हम लोगों को ऑडियो और वीडियो कैसेट दिखाए गए, सच्चे हैं कि झूठे एक अलग प्रश्न हो सकता है, आप लोग उसको साबित करेंगे आगे चल के, जनता साबित करेगी, परंतु जो उनका इज्जत का जो ग्राफ था कांग्रेस में वो आज रसातल में मिल गया। सिंधिया जी भाजपा नेता के रूप में अच्छा काम करेंगे, राजमाता सिंधिया भी आई थी, उन्होंने भारतीय कांग्रेस को छोड़कर जनसंघ को अपनाया था, उसके बाद उनका कितना सम्मान बना रहा,
आखिरी तक राजमाता जी हमारे आदर्श नेता नेत्री के रूप में रही, इसी प्रकार ज्योतिराज सिंधिया भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ने उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया जी ने भी जो देश जनता के हित में निर्णय लिया, उनके कामों को जिस तरह से मजाक उड़ाई जा रही थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और सड़क पर आने का जब उन्हें आह्वान किया गया आओ सड़क पर आ जाओ, तो उनने जनता सरकार को सड़क पर ला दिया, कमलनाथ जी को सड़क पर ला दिया, और जनता भी इस बात से सहमत है। ठीक, धन्यवाद। दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी और इसी चुनावी जो आज का मतगणना का दिन है इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद।